हेलो एवरीवन, हियर आई एम बैक फ्रॉम द वीडियो लेक्चर। और आज हम जिस केस सिनेरियो को डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास है केस सिनेरियो नंबर 3 इन द बायोमैकेनिक्स केसेस। ओके, अब हमारे पास क्या था, एक 64 ईयर ओल्ड ऑस्टियोपोरोटिक मेल पेशेंट था जो हमारे पास ओपीडी में आया था, जिसमें जो कंप्लेन कर रहा था हमारे पास पेन इन द हिप जॉइंट। हिप जॉइंट में पेन थी पर आफ्टर अ फॉल। ठीक है, पेशेंट ने कंप्लेन की थी कि मेरे हिप जॉइंट में पेन है पर वो आफ्टर फॉल थी। ठीक है, आफ्टर द असेसमेंट यू सी द पेशेंट has swelling pain in the hip region. After a thorough history, patient tells you that he has a loss of balance first and then fall. What is the diagnosis of this patient? Actually, if you अगर आप देखो ना इन चीज़ों को, सारे पॉइंट्स को मिला के, ठीक है, सबसे पहले एक एजिंग बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, एज जो होती है ना हमेशा मेजरली आपको काफ़ी हद तक चीज़ों की आइडिया दे जाती है कि यहाँ पे कॉज क्या हो सकती है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे कॉज एजिंग हो सकती है, स्ट्रेस हो सकती है, ठीक है, यहाँ पे फॉल हो सकती है। ठीक है, अब उन्होंने साथ ही आपको बता दिया ऑस्टियोपोरोटिक है, इसका मतलब बोन वीक है। ठीक है, पेशेंट की बोन्स वीक है, ऑस्टियो 64 ईयर उसकी एज है। ठीक है, अब वो ओपीडी में आया और वो बता रहा है कि उसकी ना हिप जॉइंट में पेन थी लेकिन वो गिरने के बाद शुरू हुई। ठीक है, पेशेंट ने क्या कंप्लेन किया आपको कि वो गिरने के बाद उसको दर्द हो रही है। जब आपने असेस किया तो आपने देखा कि पेशेंट को पेन भी है, स्वेलिंग भी है हिप रीजन में। ठीक है, दोनों चीज़ें। अब उसने क्या किया कि जब हमने एक थॉरो हिस्ट्री ली तो पेशेंट ने आपको ये बताया कि उसका ना पहले बैलेंस एकदम से लॉस हुआ था। ठीक है, फिर वो गिर गया। तो आपको क्या लगता है इसमें बेसिकली क्या डायग्नोसिस? अब ना यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है, मतलब पहले दो केस सिनेरियोस जो थे ना वो बहुत सीधे सीधे थे, पर यहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा आपको हिस्ट्री नहीं दी हुई। ठीक है, तो आपको चीज़ों को खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपके पास बेसिकली क्या है। सबसे पहली चीज़ आपके पास जो आ रही है ना, अगर आप इसमें देखो तो ऑस्टियोपोरोसिस एक बहुत बड़ा हमारे पास फैक्टर है जो आपको ये बता रहा है कि हमारे पास पेशेंट जो है वो वीक बोन्स के साथ है। ठीक है, अब वीक बोन्स के साथ पेशेंट में ऐसी क्या कंडीशन हो सकती है जो हम अज्यूम कर सकते हैं? ऑस्टियोआर्थराइटिस अज्यूम कर सकते हैं, जाहिर सी बात है। ठीक है, फिर आप पेशेंट में ये अज्यूम कर सकते हैं कि हो सकता है कि आप इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऐसे बना सकते हैं कि इससे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। इस पेशेंट में आप कह सकते हो कि बेसिकली आरए भी हो सकता है। ठीक है, पेशेंट की कंप्लेन है सिर्फ स्पेसिफिकली हिप रीजन में, तो हो सकता है कोई हिप रीजन के मसल्स इन्वॉल्व हों। ठीक है, पर अब पेशेंट की स्वेलिंग आ गई है तो बेसिकली आपने स्वेलिंग को थोड़ा सा देखना है। ठीक है, अब आहिस्ता आहिस्ता आप जो नेक्स्ट पॉइंट है ना वो आपको ये एक आइडिया दे रहा है कि पहले पेशेंट कह रहा है मेरा एकदम से बैलेंस लॉस हुआ, इसका मतलब पेशेंट ना लॉस पहले आया फिर गिरा ना, तो इसका मतलब ये होता है कि बैलेंस जब एकदम से लॉस होता है ना तो ये एक बहुत मेजर पॉइंट है एक टाइप ऑफ फ्रैक्चर का जो हमारे पास एल्डरली पेशेंट्स में देखा जाता है। अगर आपका ट्रिक करेगा तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं किस बैलेंस की या किस चीज़ की बात कर रही हूँ। बेसिकली ये वो लॉस ऑफ बैलेंस जिन पेशेंट्स में होता है ना एज के साथ साथ, उनमें बेसिकली एक फ्रैक्चर होता है जो बहुत कॉमन होता है, और वो फ्रैक्चर होता है तो पेशेंट कहता है कि मैं एकदम से गिर गया। ठीक है, तो इस पेशेंट में आप डायग्नोसिस थोड़ा सा आइडिया लगाने की आहिस्ता आहिस्ता आप कोशिश करोगे तो आपका आइडिया चलेगा, लेकिन पहले हम इससे इसकी एक्सरे फाइंडिंग्स देखते हैं, फिर हम देखेंगे कि इस पेशेंट में एक्चुअली था। सो अगर आप इस पिक्चर को देखते हो ना तो आपको आइडिया हो जाता है कि लाइक हम एक्सरे की फाइंडिंग से भी देख लेते हैं कि हमारे पास किस रीजन, कौन से रीजन फ्यूमर का ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, और ये वाला जाहिर सी बात है हमारे पास नेक का फ्यूमर बहुत वीक होता है, तो जिन रीजन जो जिन पेशेंट्स में ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह होता है या जिनकी बोन वीक होती है ना, उनमें हमारे पास चांसेस ज़्यादा होते हैं नेक और फ्यूमर के फ्रैक्चर के। ठीक है, सो अगर आप इस रीजन को देखते हो ना तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ग्रेड का फ्रैक्चर दिखाया हुआ है, लाइक ये पूरा डिस्प्लेस हो चुका है। ठीक है, मतलब समटाइम्स ऐसे होता है कि बिल्कुल स्लाइड सी ना हेयर लाइन फ्रैक्चर है, समटाइम्स डिस्प्लेस नहीं हुआ था, बोन अपार्ट नहीं हुई हुई होती। ठीक है, जैसे अगर आप इस पिक्चर को देखते हो ना तो ग्रेड 1 का जो फ्रैक्चर होता है बिल्कुल हेयर लाइन स्लाइड्स है। ठीक है, ग्रेड 2 का थोड़ा सा ज़्यादा है, ग्रेड 3 में स्लाइटली अपार्ट हो रही है बोन, और ग्रेड 4 में बिल्कुल डिस्प्लेस हो गई है। ठीक है, मतलब फ्यूमर जो होती है ना ऊपर की तरफ डिस्प्लेस कर, ये आपको साइन मेजरली मिलता है अगर आप नोटिस करते हो ना बोन्स के फ्रैक्चर्स को या इन चीजों को, तो आपको काफी हद तक ये साइन आपको मिलेगा। ठीक है, तो देखो अगर आप यहाँ पे डिस्प्लेस हो रही है ना तो समटाइम्स आपको ये ना
मेजरली बोन के ना फ्रैक्चर्स में ये नजर भी आता है, पेशेंट की ना लेग शॉर्टनिंग हो रही होती है। ठीक है, जब आपके पास लेग शॉर्टनिंग हो रही है ना, पेशेंट आ रहा है लेग शॉर्टनिंग के साथ, तो मेजरली कंप्लेन ये होती है कि फ्यूमर के नेक का फ्रैक्चर हुआ था और डिसप्लेस हो गया था, जिसके बाद से ना लेग की शॉर्टनिंग हो गई थी, क्योंकि वो प्रॉपरली वापस उस जगह पे नहीं आई। ठीक है, सो समटाइम्स डिफॉर्म्ड बोन हो जाती है, या वहीं पे जुड़ जाए अगर बोन, और फिर पेशेंट को अगर नहीं पता चला या कोई और इशू हुआ है, ठीक है, किसी भी कॉम्प्लिकेशन की वजह से अगर ये होता है, तो फिर पेशेंट में लेग शॉर्टनिंग बहुत ज्यादा आती है। लेग के फ्यूमर का जब डिस्प्लेस फ्रैक्चर होता है ना, तो उसमें हमारे पास बेसिकली लेग नेक ऑफ फ्यूमर का जब फ्रैक्चर की डिस्प्लेसमेंट हो जाती है ना, डिस्प्लेस्ड हो जाता है अपनी जगह से, ठीक है, तो उस केस में मेजरली जो होता है ना, पेशेंट की लेग शॉर्टनिंग आ रही होती है। ठीक है, पर ये थोड़ी लेटेस्ट स्टेजेस की चीज है। ठीक है, अभी हम सिर्फ बेसिक चीजों को यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास क्या क्या है। ठीक है, सो अब हम वापस केस सिनेरियो की तरफ चलते हैं। सो हमारे पास केस सिनेरियो का जो आंसर था वो था बेसिकली फेमोरल नर्व का फ्रैक्चर। ठीक है, तो हमारे पास जो फेमोरल नर्व का फ्रैक्चर है वो बेसिकली हमारे पास क्या पेशेंट की क्या क्या चीजें जो हमें बता रही थी, हमने कहा था ऑस्टियोपोरोटिक है पेशेंट। ठीक है, फॉल उसने कहा था कि हमारे पास बैलेंस पहले लॉस हुआ फिर फॉल आई थी। ठीक है, स्वेलिंग थी उस रीजन पे, पेशेंट कंप्लेन कर रहा था पेन की। ठीक है, लेकिन पेन में हिप ज्वाइंट में तब आया था जब फॉल हो चुकी थी। ठीक है, तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स थे जो बेसिक हिस्ट्री थी। ठीक है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री नहीं थी, इससे भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्रीज होती हैं, केस सिनेरियोज बहुत मुश्किल होते हैं। ठीक है, ये एक सिर्फ बेसिक लेवल की हिस्ट्री थी कि हम इसको एक आइडिया दे सके कि जब फ्यूमर का नेक का फ्रैक्चर होता है तो हमारे पास बेसिक कंप्लेन पेशेंट क्या कर रहा होता है। ठीक है, सो अगर कोई चीज़ रह गई तो आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो, और कोई भी इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।